प्रदेश के मुख्य सचिव डीवी गुप्ता, पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान गुप्ता ने अधिकारियों से प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान बैठक में मौजूद मुख्य सचिव ने आयोग द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति की पूर्णता पालना कराने, निर्वाचन विभाग से संबंधित समस्त पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति कराने, समस्त मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए आश्वस्त किया। आप कोटा भी जाके आए, यहाँ भी आपने बैठक ली है, तो क्या विशेष निर्देश दिए हैं? आज ही हम लोगों ने, मैंने, डीजीपी साहब ने और एसीएसओ, हम तीनों सवेरे कोटा में हमने मीटिंग की थी और अब आफ्टरनून में अजमेर के अंदर मीटिंग हुई है। लोकसभा इलेक्शन के जो तैयारियाँ हैं उसमें पोलिंग मटेरियल, ईवीएम्स, वीवीपैट, पोलिंग बूथ्स और अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, वहाँ पर पानी, बिजली, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्थाएं, फिजिकली चैलेंज वोटर्स के लिए हम किस तरह से व्हील चेयर्स का इंतजाम कर रहे हैं, कैसे उनको घरों से लाने के इंतजाम हैं और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत हुई है। बाय एंड लार्ज किसी भी कलेक्टर, किसी भी एसपी के द्वारा इसके अंदर कोई समस्या नहीं बताई गई है। वैकेंसीज जो हमारे एआरओस की हैं वो सब भरी हुई हैं। कुछ जगह तहसीलदार वगैरह की बात आई है, उसको हम देखते हैं, अगर संभव होगा तो उस पर एक्शन लेंगे। इसके अलावा, इलेक्शन रिलेटेड चीज़ के अलावा मुख्य बात हुई है वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हुई है, वो इलेक्शन को देखते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर और अदरवाइज इन जनरल लॉ एंड ऑर्डर की बात। उसमें हमने नॉन अवेलेबल वारंट्स की क्या स्थिति है, आर्म्स एक्ट के तहत कितने केसेस हुए हैं, कितने लाइसेंस वेपन्स हैं उनको जमा कराया गया है, इलिसिट जो आर्म्स हैं उनको पकड़ा गया है, फिर साथ में जो माइनर एक्ट्स हैं जैसे एक्साइज में कितना सीजर है, इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत कितना सीजर है, कोई कैश वगैरह, कुछ अजमेर में बताया कैश भी पकड़ा गया है, तो ये सब बातें हुई हैं। जिसमें इसके अलावा प्रिवेंटिव एक्शंस जो हैं, जैसे सीआरपीसी के धारा 107, 108, 109, 110, 122, 151, इनके तहत कितनी धरपकड़ हुई है, कितने बाउंड डाउन हुए हैं, और जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, गुंडा एक्ट के तहत केसेस हैं, उनकी ब्रीफ में समीक्षा की गई है। ये मोटा मोटा लबो लबाव आज की मीटिंग का है। बाय एंड लार्ज सारे लोगों ने हमको आश्वस्त किया है कि यहाँ पहले भी रिपोल नहीं हुआ था, जो पिछले असेंबली इलेक्शंस हैं, पास्ट हिस्ट्री भी नहीं, और इसी प्रकार से इसको बिल्कुल सुचारू रूप से इलेक्शन को फ्री फेयर तरीके से बिना भय के संपन्न करा दिया। वहीं चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजी कपिल गर्ग ने सभी आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गर्ग ने बताया कि मतदान के दिन सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा, वहीं अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता रहेगा। इसके साथ ही फर्जी मतदान न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। पुराना रिकॉर्ड कायम रखेगा, निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर, शांतिपूर्ण चुनाव का हमारा उद्देश्य है वो पूरा होगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई विशेष इस बार कोई दिशा निर्देश दिए गए हो चुनावी लोकसभा चुनाव के लिए? तो जो हमेशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप फायर आर्म्स, पाबंद कराने की कार्रवाई, गिरफ्तारी करने की कार्रवाई, जो वारंट वगैरह हैं वही निर्देश है, थोड़ा सजगता से करने की आवश्यकता है, और जो कम्युनल और कास्ट टेंशन होते हैं उनको भी नज़र रखने की आवश्यकता। सर, चुनाव इस बार दो पार्ट में करवाए जा रहे हैं, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कुछ चुनाव दो पार्ट में कराने से हमारे को फोर्स की जो गति है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार की भी सीमा पूरे देश में चुनाव है वो भी बहुत ज़्यादा, तो असेंबली एक ही दिन में था लेकिन फोर्स बहुत दिया, इस बार उतनी नहीं मिल पाई, तो उस हिसाब से तो इस बैठक में आईजी संजीव नर्सरी, जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा सहित चुनाव से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।